नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सीधी जिले के कुतमी में पदस्थ नायब तहसीलदार ललेश मिश्रा के ऊपर अज्ञात मनमासों ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसके बाद जिला व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। हालत में सुधार ना होता देख परिजनों ने आज एयर एम्बुलेंस से इंदौर के मेदांता अस्पताल ले जाने की डॉक्टरों से अपील की थी। डॉक्टरों से इजाज़त मिलते ही घायल तहसीलदार को एयर एम्बुलेंस से इंदौर के मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ उनका आगे का उपचार किया जाएगा। गौरतलब है कि नायब तहसीलदार ललेश मिश्रा के ऊपर अज्ञात मनमासों ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था। हमला रात उस वक्त हुआ, तहसीलदार अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रीवा रेफर किया गया था। हाँ, इनको मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिससे और अच्छा इलाज इनको मिल सके। अभी हालत इनकी स्टेबल है, हमारे यहाँ ऑपरेशन किया गया था इनका। एयर एम्बुलेंस आ गई है इनकी, उससे इनकी शिफ्टिंग की जा रही है। पिछले दिनों जो घटना हुई थी कुसमी तहसीलदार का, उन्हीं के मेडिकल सुधार के लिए मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस आ गया है हवाई पट्टी में, उसी के तहत एम्बुलेंस से अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है चोरहटा हवाई पट्टी के लिए। चोरहटा हवाई पट्टी से वो इंदौर मेदांता हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे।